प्रिय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी सब्जेक्ट, दैट इज अबाउट फाइटो हार्मोन्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द हार्मोन्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स। So plant hormone, they are sometimes called as phytohormones, as I have written here, and they are also known as plant growth regulator. You can also say they are plant growth regulators. आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है एनिमल्स की तरह, इसलिए वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स, जैसे कि टच है, लाइट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उसलिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स की, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट हार्मोन्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या काम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट की जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, या तो ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, या तो प्रमोट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, या तो इनिबिट करेंगे इनकी एक्टिविटीज को। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो इनकी इनको इनिबिट करनी पड़ेगी। तो इन पर्टिकुलर जो जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन है। अगले पॉइंट पे स्टूडेंट हम लोग चलते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, यहाँ एक तरीके की क्या है, बहुत सारी केमिकल्स हैं, दे आर डिफरेंट केमिकल्स, ओके, एंड दीज आर द केमिकल्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। और ये सभी फाइटो हार्मोन्स प्लांट की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली बात अगर हम लोग करें इम्पोर्टेंट इनके करेक्टर्स की, तो कुछ करेक्टर्स हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ये जो फाइटो हार्मोन्स है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज ये हार्मोन्स हैं, और इनकी जो स्मॉल क्वांटिटी है उसका ही अच्छा खासा इफेक्ट आने वाला है, प्रोफाउंड इफेक्ट आएगा स्पेसिफिक पार्ट पे, जैसे जो हमारा टारगेट सेल हो, इफेक्ट ऑन टारगेट सेल ऑफ प्लांट, जो प्लांट की वो टारगेट सेल होगी उस पर इफेक्ट आएगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। और ये प्लांट के सभी पार्ट्स में होंगे जहां पर उनको अपना इफेक्ट देना होगा। इनका सिंथेसिस और एक्शन जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंडेंट होगा। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, और स्टिमुलस क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए स्टिमुलाई क्या होता है। जो भी बाहर से कोई भी केमिकल एजेंट या फिजिकल एजेंट कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमारा स्टिमुलस का काम करेगा, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ये एक तरीके की क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। और ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं, काफी शॉर्ट लाइफ स्पैन होंगे, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इनको रैपिडली ब्रोकन डाउन किया जा सकता है, एंड कैन बी रैपिडली ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, ये दे रेगुलेट सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, सेल को इलोंगेशन कर सकते हैं, इलोंगेशन ऑफ सेल, और रूट स्टेम एंड लीव्स की ग्रोथ, रूट स्टेम एंड ग्रोथ ऑफ लीव्स। फ्लावरिंग करेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करेंगे, ये सारे फैक्टर्स जो है, जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे हार्मोन, सीड डॉर्मेंसी है, सीड जर्मिनेशन है, फोटोट्रोपिज्म है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स उनको रेगुलेट करेंगे। जियोट्रोपिज्म है,
ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, बहुत सारे एटसेट्रा आप लिख सकते। और मैंने आपको बताया या तो ये प्रमोट करेंगे या तो ये इनहिबिट करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स ये प्रमोट करेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स। इफ दे आर गोइंग टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स, एंड इफ दे आर गोइंग टू इनहिबिट देन दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। So this is all about today's lecture, students. So now I will discuss all the plant hormones one by one in plants. They are like auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic acid. You will get a separate video on each phytohormone. This is all about overview of plant hormones. Thank you, friends. I hope we will meet soon. Bye bye. Take care.